का वैक्सीन फ्री में देना, अपने घोषणा पत्र में शामिल करना अपने आप एक मानसिक दिवालीपन को प्रदर्शित करता है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपने वो बात बोल दी, फिर लगातार उसको आप डिफेंड करते चले जा रहे हैं। ये बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बल्कि मैं समझता हूं पूरे देश के नागरिक भी बड़े आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने कहा कि फ्री वैक्सीन को कोई अपने घोषणा पत्र में कैसे डाल सकता है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, कारण वो जानते हैं। फिर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, कारण वो जानते हैं। वो पहले एनडीए में थे, उनको वहां से निकाल दिया, अब वापस एनडीए में ले लिया, कारण बताने के लिए कोई नेता सामने नहीं आ रहा। लेकिन जो उथल पथल हुई वो सबके सामने, और अभी फिलहाल में जो एलजेपी है उसके साथ जो खेल चल रहा है भाजपा का, वो बच्चा बच्चा बिहार का जानता है। बिहार ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत बड़े बड़े नेता देश को दिए हैं, प्रदेश को दिए हैं। और आज मैं व्यक्तिगत तौर से भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को और स्वर्गीय रघुवंश बाबू को, और इन दोनों नेताओं के साथ मुझे संसद में और मनमोहन सिंह जी की सरकार में काम करने का मौका मिला। सुलझे हुए स्पष्ट बोलने वाले नेता वो थे, आज हमारे बीच में नहीं है, उसका नुकसान देश की राजनीति को भी है, बिहार को भी है। लेकिन भाजपा का जो गठबंधन है वो जो केंद्र में है उनके साथ वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया है, अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया है, और लोजपा ने बिहार में तो छोड़ दिया है, दिल्ली में क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो बौखलाहट दिख रही है, सुशासन को नारा देने वाले जो मुख्यमंत्री थे आज हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है मंचों से, लालू प्रसाद जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में जो कहा जा रहा है वो अशोभनीय है। वो राजनीतिक परिपक्वता को दिखाता नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं घबराहट और बौखलाहट को सामने दिखाता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे हैं, और उसका कोई जवाब ना तो मुख्यमंत्री दे पा रहे हैं ना उनके साथी दे पा रहे हैं। बिहार पहला राज्य था जहां एपीएमसी कानून को हटाया गया था। केंद्र सरकार ने चौतरफा मार जो किसानों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहा है, पिछले 10 सालों में बिहार में उन कानून के बदलने के बाद पलायन बढ़ा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जब लॉकडाउन हुआ था लाखों लाख लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे, केंद्र सरकार की विफलता थी। लेकिन बिहार सरकार ने जो रवैया अपनाया वो सच में पीड़ा का सूत्र था। कोटा जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं देश भर के आगे, वहां बिहार राज्य के सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों को वापस जाने का प्रबंध कराने के लिए हमारी सरकार तैयार थी कि हम इनको वापस लेकर नहीं जाएंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों ने स्वेच्छा से प्रबंध कराया, हमने मदद उनकी करी, उन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया। लेकिन अपनों का साथ छोड़ देना ये कोई नई बात नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए, लंबे अपने इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कई बार कर चुके हैं। लेकिन बच्चों के साथ जो उस टाइम भयभीत थे, घराने के लिए ललायत थे, उनको वहां अपने हाल पर छोड़ दिया, मैं समझता हूं ये उनके सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरे देश में महामारी फैली कोरोना की, कोविड की, लेकिन सबसे खराब प्रबंधन अगर कहीं है तो बिहार के अंदर, और उसका जवाब देने का एक जो घमंड और अहंकार आ जाता है इतने साल सत्ता में रहने के बाद। मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए इस प्रदेश का, जवाब देने से मुकर रहे हैं, पारदर्शिता दिखाने से मुकर रहे हैं, जो गड़बड़ घोटाले लगातार पिछले 5 साल में हुए उस पर पर्दा डालने की बात करते हैं, तो कैसे सुशासन देंगे आप? नौजवानों को आप रोकते हैं, दल बदल को आप प्रेरित करते हैं, भ्रष्टाचार को आप पोषित करते हैं, और अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए आप तैयार हैं, वो व्यक्ति और वो सरकार, वो दल बिहार का भला नहीं कर सकता। इस चुनाव में जिस प्रकार का उत्साह नौजवानों में देखने को मिल रहा है, वो महागठबंधन के हम सब हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है, और हर सभा में भीड़ आती है, लेकिन एक जिंदा भीड़ होती है
दूसरी भीड़ जो कार्यकर्ता एमएलए विधायक जोर जबरदस्ती लेकर आते हैं, लेकिन जो ऊर्जा, जो उमंग, जो उत्साह, जो बदलाव की चाहत और जो जनता की सेवा करने की टीस महागठबंधन के नेताओं के अंदर है, उसे देखकर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि हमारी जीत ऐतिहासिक होगी और बिहार की राजनीति से आने वाले समय की राजनीति प्रभावित होने वाली है। मतदान अच्छी मात्रा में हुआ और कोरोना के बावजूद लोगों ने अपने मत का प्रयोग, अपने अधिकार का सदुपयोग किया है, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो फीडबैक है औपचारिक तो है नहीं क्योंकि अभी एग्जिट पोल वगैरह बैन है, लेकिन हमारे वर्कर्स बताते हैं जहां कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं कि लोगों में उत्साह है और हमारा जो मत प्रतिशत है, हमारा जो समर्थन है, वो पहले चरण के मतदान के बाद बढ़ा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी उम्मीद हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा सीट लेकर हम आएंगे। और चुनाव के बीच में जो मुंगेर में घटनाक्रम हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब जब जाहिर है आप लोगों को, निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं, एक नौजवान बच्चे की जान चली गई, इतने मशरूफ हैं हम अपनी राजनीति में, इतने मशरूफ हैं हम एक दूसरे को कोसने के लिए। और सुनिए, राजनीति का मतलब होता है अगर मैंने शपथ ली है, मेरे कार्यकाल के आखिरी घंटे के आखिरी क्षण तक मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाबदेही हूँ। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री महोदय नहीं कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करी उन्होंने? पूरा देश आज देख रहा था जिस प्रवणता से वहां व्यवहार किया गया वो अशोकनीय, नंदनीय, कौन बर्दाश्त करेगा? और इसका जनता इसका बदला लेगी? जनता बेचारी भोली गरीब जनता क्या कर सकती है? वो तो बटन दबा सकती है, लेकिन बटन ऐसा दबेगा कि जिन्होंने अब तक प्राश्चित नहीं किया उनको प्राश्चित करना पड़ेगा। अपने उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी, कितने सीटें मिलेंगी? जैसा मैंने कहा, जितना भी आप लोग आकलन कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा निकलेगा। हवा हमारी तरफ चल रही है और बहुत भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे।